मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में एक मंदिर स्थापित है जिसे कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग तकरीबन 400 वर्ष पुराना है जबकि मंदिर का भवन 150 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर का इतिहास इस मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ है जो कि इस मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। नीलकंठ उत्सव मंदिर तो कम से कम 400 साल पुराना है लेकिन जो बिल्डिंग बनी है एक पूरी समझे ना बिल्डिंग बनी है ये कम से कम 150 साल पुरानी है। बिल्डिंग जो इसका क्या है ये पहले जो हनुमान वो है शिव जी ये पहले किले पे थे लेकिन जब औरंगजेब के द्वारा यहाँ लूटपाट की गई सब कुछ लूटा पाटा मची थी तो उस टाइम औरंगजेब वहाँ पहुँचा था किले के ऊपर तो उसने इसको तोड़ने की कोशिश की। जब तोड़ने की कोशिश की तो इसके ऊपर हजारों कौरवा जो कौरवा साहब होते हैं वो आ गए थे इसको कि इन्होंने फिर भी आदमी और जानवर में फ़र्क पड़ता है तो किसी तरह सबको हटा दिया गया जानवरों कौरवाओं को तो इन्होंने उसको उखाड़ दिया गया मंदिर को उखाड़ के नीचे खाई में फेंक दिया गया था। ये खाई पड़ी रही कई सालों तक खाई में पड़ा रहे मंदिर फिर एक बार माँ सिंधिया ख़ानदान को सपने में दिखा कि ये यहाँ पर उनको कहा कि भाई मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ मुझे ले जाके कहीं स्थापित करो अपने उसमें तो उसको मंदिर को ये अपने पिंडी को जो उठा के लाए थे वहाँ से तो ये कौरवा को यहाँ पे कोटेश्वर की ज़मीन पे थी यहाँ कोटेश्वर के नाम से इसीलिए मशहूर हो गया कि ये कोटेश्वर यहाँ पत्थर का सब पूरा एरिया था। ये शिवलिंग की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान शिव को जब यहाँ स्थापित किया गया था तो शिवलिंग थोड़ी तिरछी हो गई थी। इस शिवलिंग को सीधा करने का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन शिवलिंग रखी जाने के बाद जस से टस नहीं हुई और ना ही कोई इसे हिला सका इसलिए आज तक यह शिवलिंग तिरछा ही नज़र आता है। यह मंदिर की बड़ी विशेषता है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं जो मंदिर तत्कालीन समय के वैभव और साहित्य को प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं मंदिर की दीवारों पर मंदिर का प्राचीन इतिहास भी लिखा हुआ है जिसमें औरंगजेब के आक्रमण से लेकर मंदिर की स्थापना का संपूर्ण जिक्र किया गया है। और इस मंदिर को जिस तरह देखोगे जिस तरह रखी हुई है मंदिर उसी तरह रखी हुई है थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है मंदिर में अभी मूर्ति भी कभी इसको सीधा करने की कोशिश की गई लेकिन सीधी नहीं हुई है वैसी जैसे वो स्थापित की गई वैसे ही उसी प्रकार से स्थापित हो गई है।